और राष्ट्र हित को आगे ले जाना चाहिए। इस मामले में आपको पता होगा, आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी के ज़माने में, उनके जो 10 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, यूएस के साथ जो ये न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट किया गया था, जो न्यूक्लियर एनर्जी का एग्रीमेंट, उससे भारत को बहुत, मतलब भारत को बहुत विदेश नीति बहुत आगे ले गए। प्रथम पहली बात यह है कि इससे भारत को एक परमाणु शक्तिधर राष्ट्र के रूप से एक वैश्विक स्वीकृति मिली है, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। इसमें वो एग्रीमेंट में जो हुआ था, एग्रीमेंट में कहा गया कि भारत एक परमाणु शक्तिधर, भारत एक जिम्मेवार परमाणु शक्ति है, ये उस एग्रीमेंट में लिखित अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली भारत को। दूसरी बात, इससे हमको भारत को ये अधिकार मिली कि पूरे दुनिया के सभी जितने भी परमाणु शक्तिधर जो देश है उनके साथ हम लोग परमाणु जो कोऑपरेशन कर सकते हैं, उनके साथ उनसे हम लोग इक्विपमेंट ला सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ला सकते हैं, फ्यूल जो उप ऊर्जा है परमाणु वो ला सकते हैं हम लोग। दूसरी बात ये है कि इससे भारत की जो साख है, जो इमेज है, उसकी भी काफ़ी बढ़त मिली उसको भी। दूसरी बात, जो दूसरा जो मुद्दा मैं समझता हूँ कि भारतीय विदेश नीति, यहाँ पे मैं एक बात समझना चाहूँगा आपसे कि सरकारें तो देश में आती हैं और जाती हैं, और सरकार की विदेश नीति या राष्ट्र की विदेश नीति एक परमानेंट फीचर है और उस पर आने जाने वाली सरकारें काम करती हैं। जैसा कि आपने कहा कि मनमोहन सिंह जी के दौर में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिली परमाणु शक्ति के, जिम्मेवार परमाणु शक्ति के तौर पर, और अमूनन ऐसा मैंने भी देखा है कि जब